सिरसा का जिला सचिवालय है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पर बहुत आज नौजवान आए हैं, हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ पर आए हैं, लेकिन इंसाफ मांग रहे हैं लगातार उस बच्ची के लिए जिसका नाम आईना है और उस बच्ची के साथ जो जलम जुलम जबर हुआ है उससे इस सरकार को आईना देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर तमाम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी लोग बड़े बड़े अहदों पर पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल पर क्या हो रहा है, इस बच्ची के साथ इतनी नाइंसाफी होती है, उसका कत्ल होता है लेकिन कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको सांप क्यों सूंघ जाता है, उनकी जुबान क्यों काट मार जाती है, सवाल है, बड़ा सवाल है। यही लोग जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। निर्भया के समय आपको याद होगा जब वो कैंडल मार्च लेकर निकलते थे, लेकिन आज अपनी अपनी कोठियों में बैठे हुए इस पर बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो अभी समाज में क्या हो रहा है, ऐसी घटनाएं पहले दिल्ली यूपी वगैरह में सुनते थे तो ये हमारे सरसा तो बिल्कुल सेम मानते थे। हम तो रात को अपनी जो बहन बेटियां वो कहीं पे भी जाती जाती थी, तो अब हम उनको बाहर निकाल ही नहीं सकते। आप देख लो अभी हम इधर आए हैं इनको इंसाफ दिलाने के लिए, तो अभी हमने आकर देखा एक लड़के के साथ और ऐसा हुआ है, ये देख लिए लड़के के साथ दुष्कर्म किया गया, बाद में उसको फांसी दे दी गई। देख लो अभी ये घटना थोड़े दिन के पहले घटना और अभी आईना की घटना, ये क्या माहौल बन चुका है आप खुद देख सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को ये चाहिए भी प्रशासन से कहे भी आप जो कार्रवाई बनती है वो कीजिए, मुजरिमों को सजा दीजिए। और आप देख लो 40-45 डिग्री में बुजुर्ग हैं हमारे साथ भाई जो सारे खड़े हैं, इनको बैठना पड़ रहा है। क्यों बैठना पड़ रहा है, सरकार कार्रवाई कर ही नहीं रही है। अगर सरकार अच्छे तरीके से कार्रवाई करे तो हम अपने घरों में होते और जो कातिल है वो सलाखों के पीछे होते। सो सरकार से हम एक ही अपील करते भी प्रशासन से को भी कार्रवाई अच्छे तरीके से की जाए और जो आईना और ये जो भाई है इनको दोनों को इंसाफ दिया जाए ताकि आगे से समाज में ऐसी घटनाएं ना हो और लोग डरें ऐसी घटनाएं को करने के बारे में सोचने के लिए भी। जी आपका क्या नाम है? सुखवीर है जी मेरा नाम। सुखवीर, यहाँ से ना आप बहुत सारे लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जैसे MLA है, रानिया के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, रंजीत सिंह उनका नाम है, ऐसे हमारी सांसद हैं, वो तो बल्कि दलित कोटे से जीत कर गई हैं और उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है संसद में आवाज़ उठा सकती हैं और दलित बच्ची के साथ ऐसा हुआ। आप क्या सोचते हो, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं क्या? अगर सरकार इसकी जिम्मेवारी निभाती ना तो अब तक न्याय मिला होता आईना को। सरकार बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रही। अभी जो कहीं यहाँ पे मंत्री आया होता तो यहाँ पे लाखों की तादाद होती और लोग बड़े बड़े नारे लगाते, और अब आईना के लिए कोई प्रशासन है सरकार कुछ भी नहीं बोल रही। जो हमारे सांसद हैं माननीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, वो मुझे लगता है जब से बनी है उन्होंने तो सरसा की तरफ देखा भी नहीं होगा, अभी सरसा हरियाणा में किस कोने में है। ठीक है, ये अगर आज सुनीता दुग्गल हमारे यहाँ से MP है तो उनको चाहिए भी ग्राउंड लेवल पे आकर हमारे साथ बैठें और ये इंसाफ दिलाएं, लेकिन वो तो हमारे कई गांव में तो उनके पोस्टर लग चुके हैं गुमशुदा की तलाश मिसेज सुनीता दुग्गल। क्या है ये कोई हाल है? अगर सांसद हो यहाँ से और यहाँ पे ये ऐसे घटनाएँ हो तो आगे से हमें भी चाहिए भी हम भी सांसद अच्छा चुने भी जो हमारे कोई दुख सुख में काम आए, ऐसे नहीं कि उनको संसद बनाकर पार्लियामेंट में भेज दिया और वो वहाँ से मजे से ठाड़ ले और हम यहाँ पे सड़कों पे रुलते फिरे। आप आज यहाँ पर आए हो, यहाँ पर बैठे हो, इसके बाद क्या करोगे? आज आपने एक मांग पत्र दे दिया, ज्ञापन दे दिया, क्या इसी से काम पूरा हो जाएगा क्या? देखिए जी, इसी से काम पूरा हो जाए तो बात बहुत अच्छी है। इस तो दो दिन का टाइम मिला है, दो दिन के बाद अगर ये कार्रवाई अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर जो भी आगे की रणनीति है हमारे जो भाई हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर रोड जाम करना पड़ा तो रोड जाम भी कर देंगे, तो हम चाहते हैं भी हमें वहाँ तक ना जाना पड़े, हमें मजबूर ना किया जाए। अगर रोड जाम करना पड़ा रोड जाम का हम पूरा सिरसा सील कर देंगे। सो इनको ये हमारी चेतावनी ही समझ लें और दो दिन में इंसाफ दे दें तो इनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है। आप देख रहे हैं MLAG.com, इस पर आप को लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस नाइंसाफी के बारे में। आप क्या कहते हैं, आप भी बताइए, इस बच्ची के लिए आप भी आवाज़ उठा सकते हैं अपने ढंग से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जय।